सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल न्यूज बॉय। तो आज के इस वीडियो में मैं बहुत सारे यूट्यूब कम्युनिटी एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिलेटेड इंटरेस्टिंग न्यूज कवर करने वाला हूँ। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। एंड हाँ गाइस, आज का वीडियो तो मैं आपको पर्सनली बोलता हूँ कि आप एंड तक देखिए, क्योंकि आज मेरे पास बहुत सारे इंटरेस्टिंग न्यूज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज से। तो मैं बात करने वाला हूँ मुंबई कर निखिल के बारे में। तो मुंबई कर निखिल दो दिन पहले अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किए थे, रिक्शा वाले की ओपन दादागिरी। आप में से मैक्सिमम लोगों ने मुंबई कर निखिल का वो वीडियो देखा ही होगा। अगर नहीं देखा तो मैं आपको एकदम शॉर्ट में बता देता हूँ उस वीडियो में क्या हुआ है। तो बेसिकली उस वीडियो में मुंबई कर निखिल एंड शोभित का एक काइंड ऑफ झगड़ा हो जाता है एक रिक्शा वाले के साथ पैसे को लेकर। मतलब झगड़ा मतलब वैसा वाला झगड़ा नहीं, मतलब तू मैं चलता है मुंबई कर निखिल शोभित एंड रिक्शा वाले का। एंड जो रिक्शा वाला है वो मिसबिहेव करने लगता है मुंबई कर निखिल एंड शोभित के साथ। एंड ये जो मामला है ये मुंबई कर निखिल अपने कैमरे में रिकॉर्ड भी किए थे एंड अपने व्लॉग में अपलोड भी कर दिए। तो क्या हुआ कि बहुत सारे लोग मुंबई कर निखिल के उस वीडियो के नीचे कमेंट करने लगे कि मुंबई कर निखिल को जो है उस रिक्शा वाले का चेहरा नहीं दिखाना चाहिए था। मतलब उस रिक्शा वाले का चेहरा मुंबई कर निखिल को ब्लर करना चाहिए था। एंड मुंबई कर निखिल उस वीडियो में उस रिक्शा वाले का ऑटो का भी नंबर दिखा देते हैं। तो बहुत सारे लोग उस वीडियो के नीचे कमेंट करने लगे कि मुंबई कर निखिल को वो नहीं करना चाहिए था। एंड वैसा ही कुछ कमेंट की थी मुंबई मार्केट मसाला उर्फ रेशमा खान मुंबई कर निखिल के उस वीडियो के नीचे कमेंट में। जी हाँ, रेशमा खान भी कमेंट की कि मुंबई कर निखिल को जो है उस रिक्शा वाले का चेहरा नहीं दिखाना चाहिए था एंड उस रिक्शा वाले के ऑटो का नंबर भी नहीं दिखाना चाहिए था उस वीडियो में, क्योंकि उससे उस ऑटो वाले के फैमिली एंड उनके मेंटल हेल्थ पर असर पड़ेगा। ऐसा करके कुछ रेशमा खान कमेंट की थी मुंबई कर निखिल के उस वीडियो के नीचे। एंड तब से जो है बहुत सारे लोग रेशमा खान को धमकी देने लगे कमेंट में। एंड इनफैक्ट बहुत सारे लोग रेशमा खान को इंस्टाग्राम में भी धमकी देने लगे। जी हाँ, एंड इसी से रिलेटेड रेशमा खान अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की है, बड़ा यूट्यूबर होने का घमंड। तो इस वीडियो में रेशमा खान बताइए कि उनके साथ एग्जैक्टली क्या हुआ है। तो आप भी देखिए रेशमा खान क्या कही। बहुत सारी सुबह उठते ही साथ मेरे इंस्टाग्राम के डीएम में मुझे गालियां मिली, यूट्यूब के कमेंट में मुझे गालियां मिली कि मोटी तुझ क्या खून चूसेंगे हम उसका। यूट्यूब पर कमेंट्स आने लग गई, मुझे बहुत सारी आई कि रात को मैंने एक कमेंट, जैसे मैंने पहले भी अपनी वीडियो में कहा था मैं बहुत यूट्यूब पर वीडियोस देखती हूँ, तो मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ निखिल को बहुत अच्छा। हाँ, कभी कभी मैं गुस्सा भी कर देती हूँ उसके ऊपर, लिख देती हूँ कि निखिल यार हाथ छोड़ के तुम गाड़ी चलाते हो और वो यूट्यूब में डालते हो। तो मैं काफ़ी बार वहाँ कमेंट करती हूँ कि यार नीचे लिखा कर दिस इज़ रिस्की और ये ना करें सब लोग, मैं कर रहा हूँ, अब आप लिखते हो मैं कर रहा हूँ, मैं बड़ा एक्सपीरियंस हूँ। तो मैंने ये काफ़ी मरतबा निखिल को कमेंट भी किया है। लेकिन कल रात को मैंने जब निखिल की वीडियो देखकर कमेंट किया तो सुबह तक मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत गालियाँ भी आ गई और मेरे यूट्यूब के ऊपर कमेंट भी आ गई कि मोटी तुम क्यों उसको सपोर्ट कर रहे हो रिक्शा वाले को, हम उसका खून चूसेंगे। सी, तुम्हें जो प्रॉब्लम थी तुमने कहा वो ठीक है, उसने गलत किया, बट उसकी फ़ोटो दिखाना या उसका नंबर दिखा के ये कहना कि ये भाई जब भी आपको मिलेंगे आप इनको समझाओ, विच इज़ रॉन्ग। तो आप उसकी प्लीज़ फ़ोटो निकाल दो, प्लीज़ उसका नंबर हटा दो, आपके 8 लाख लोगों ने उसे देख लिया है, अब इनफ निखिल। मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप इतने ख़राब हो, तो प्लीज़ उसको ब्लर कर दो यार। अगर कभी गलती से आप मेरी वीडियो देख लें, जो नहीं देखते हैं, तो आप इसे प्लीज़ ब्लर कर दीजिए। कुछ लोगों से मैंने सवाल पूछा, आप प्लीज़ उसे देखो। एंड हाँ, रेशमा खान के इस वीडियो में वो पब्लिक ओपिनियन भी ली है कि मुंबई कर निखिल को जो है वैसा करना चाहिए था कि नहीं रिक्शा वाले के साथ। तो अगर आपको रेशमा खान का ये वीडियो देखना है तो मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो। सो या आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस पे मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए अब नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं। मैं बात करने वाला हूँ सम्राट भाई के बारे में। तो सम्राट भाई दो दिन पहले अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किए थे, दीपक कलाल की पिटाई और रानू मंडल का एटीट्यूड। तो वो वीडियो बेसिकली एक रोस्ट वीडियो है जिसमें सम्राट भाई रानू मंडल एंड दीपक कलाल को रोस्ट करते हैं। एंड आप सबको तो पता ही होगा अभी रानू मंडल का क्या चल रहा है। तो आप सबको याद होगा कुछ दिन पहले भुवन बाम रानू मंडल के सपोर्ट में कुछ कहे थे अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज के थ्रू, एंड मैंने अपने वीडियो में भी कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो। एंड भुवन बाम का वो इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट करने के बाद जो है सम्राट भाई को बहुत सारे हेट मैसेजेस आने लगे, ये बोल के कि सम्राट भाई को जो है रानू मंडल को रोस्ट नहीं करना चाहिए था। तो उसी के ऊपर रिएक्ट करते हुए सम्राट भाई अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में ये पोस्ट किए थे, ये बड़े क्रिएटर क्या हेट फैलाने के लिए बने हैं, ये स्टोरी डालेंगे देन हमको हेट मिलने लगता है, वाह यार वाह, लोग फैन नहीं भक्त बनते हैं, वीडियो आएगा इस मैटर पे अच्छे से। सो या आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस पे मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए अब नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं। मैं बात करने वाला हूँ बीबी की वाइंस और भुवन बाम के बारे में। तो बीबी की वाइंस कल अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किए, आस्क बीबी एपिसोड 6। तो बेसिकली वो एक Q&A वीडियो था एंड वो ऐसे बहुत सारे यूनिक सवालों का आंसर किए हैं। तो अगर आपको बीबी की वाइंस का वो वीडियो देखना है तो मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो। तो बेसिकली क्या हुआ कि बहुत सारे लोग उस वीडियो के नीचे
भी स्पैम कमेंट करने लगे, जैसे हिट लाइक फॉर बीबीकी वाइंस, हिट लाइक फॉर अमित भड़ाना, हिट लाइक फॉर टीटू मामा, हिट लाइक फॉर आशीष चंचलानी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड इसी के ऊपर रिएक्ट करते हुए बीबीकी वाइंस फिर से अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज के थ्रू कुछ कहे हैं। जी हाँ, फिर से पहले भी वो इस चीज के ऊपर बात कर चुके हैं, तो आप भी देखिए बीबीकी वाइंस क्या कहे। तो कमेंट सेक्शन में दो दो घंटा दो दो किलोमीटर नीचे स्क्रॉल करने के बाद कोई ढंग का कमेंट दिख रहा है, वरना सब हिट लाइक फॉर दिस हिट लाइक फॉर दैट। कुछ ढंग का कमेंट कर दो अगर आप देख रहे हो ये, इसको स्वाइप अप करो, एपिसोड कैसा लगा ये मुझे बताओ, स्वाइप अप। तो चलिए अब नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं। मैं बात करने वाला हूँ बी यूनिक के बारे में। तो जैसे कि आप सबको पता है कि बी यूनिक ने जो है अपना सेकंड चैनल बनाया है बी यूनिक व्लॉग्स नाम से, तो उस चैनल के नाम से जो है बहुत सारे फेक चैनल्स बन रहे हैं। जी हाँ, एंड इसके ऊपर बी यूनिक फिर से रिएक्ट किए है, तो आप भी देखिए बी यूनिक क्या कहे। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि मार्केट में ना नकली माल बहुत आ गया है, मतलब बहुत सेम नाम के चैनल्स आ गए हैं। नहीं आपको मालूम है ना यूनिक इधर है, कौन है इधर, आप स्वाइप अप कैसे करोगे, ऐसा नहीं, ऐसा स्वाइप अप करो और असली बी यूनिक ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करो। तो चलिए अब नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं। मैं बात करने वाला हूँ एक म्यूजिक वीडियो के बारे में। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ लॉन्ग लाची टाइटल सॉन्ग के बारे में। एंड ये जो म्यूजिक वीडियो है ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन कंप्लीट करने वाला है। जी हाँ, ये सॉन्ग बहुत ही जल्द कंप्लीट करने वाला है 1 बिलियन व्यूज। जी हाँ, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर इस वीडियो में अभी 983 मिलियन व्यूज हो गए हैं, एंड ये बहुत ही जल्द 1 बिलियन व्यूज कंप्लीट करने वाला है। जिस हिसाब से इसके व्यूज आ रहे हैं उस हिसाब से ये म्यूजिक वीडियो एक महीने के अंदर अंदर 1 बिलियन व्यूज कंप्लीट कर लेगा। जी हाँ, एंड जैसे कि आप सबको पता ही है अभी तक ऐसा इंडिया में कोई भी सॉन्ग नहीं है जिसने 1 बिलियन व्यूज कंप्लीट किया हो, तो ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड हो जाएगा। एंड ऑल्सो आपको बता दूं इसके पीछे पीछे दो और सॉन्ग ऐसे हैं जो 1 बिलियन व्यूज बहुत जल्द कंप्लीट करने वाले हैं। जी हाँ, सेकंड नंबर पे है नेहा कक्कर का मिले हो तुम रिप्राइज वर्जन, जिसमें आप देख सकते हो 846 मिलियन व्यूज है। एंड थर्ड नंबर पे है गुरु रांधावा का हाई रेटेड गबरू ऑफिशियल सॉन्ग, जिसमें आप देख सकते हो 41 मिलियन व्यूज है। तो ये दोनों सॉन्ग भी जो है बहुत ही जल्द 1 बिलियन व्यूज कंप्लीट कर लेंगे। एंड यार ये बहुत बड़ी बात है हमारे इंडिया के लिए, क्योंकि यार अच्छा लगेगा ना कि एक इंडियन सॉन्ग 1 बिलियन व्यूज पे है, 1 बिलियन। सो लेट्स सी लॉन्ग लाची टाइटल सॉन्ग कब तक 1 बिलियन व्यूज कंप्लीट करता है। जैसे ही करता है आप लोगों को मेरे वीडियोस के थ्रू पता चल जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं। मैं बात करने वाला हूँ गरीब के बारे में। तो गरीब जो है अपने मेन चैनल का वीडियो का अनाउंसमेंट फाइनली कर दिया है। जी हाँ, गरीब कल अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में ये पोस्ट किए थे, वीडियो टुमारो, स्ट्रीमिंग स्टार्ट्स टुमारो एज वेल 2 PM। एंड गरीब आज अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में ये पोस्ट किए थे, येलो टट्टी इज हियर। तो इसका मतलब जो है गरीब ने अपना वीडियो अपलोड कर दिया है अपने चैनल पर उनके वीडियो को जो है येलो डॉलर लग गया। आपको बता दूं ये जो येलो डॉलर है ये 24 घंटे के अंदर अंदर ग्रीन हो जाता है अगर उस वीडियो में कोई इनएप्रोप्रिएट नहीं है। तो इसका मतलब आज या फिर कल तक गरीब का जो है नया वीडियो आ जाएगा उनके चैनल पर। तो चलिए अब नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं। मैं बात करने वाला हूँ आशीष चंचलानी के बारे में। तो आशीष चंचलानी ने जो है कल अपने चैनल पर 15 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए हैं। जी हाँ, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर। सो या हार्टी कांग्रेचुलेशंस टू आशीष चंचलानी। तो यार आज के लिए बस इतना ही न्यूज़। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। एंड इसी तरह के यूट्यूब कम्युनिटी और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिलेटेड इंटरेस्टिंग न्यूज जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।